सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मनोज बाजपेयी स्टारर अय्यारी आज फाइनली रिलीज हो गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बताते हैं आपको फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपडेट। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कर्नल अभय सिंह यानी मनोज बाजपेयी और मेजर जयबख्शी यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नोकझोंक से। ये दोनों इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी वजह से जय अचानक दिल्ली से गायब होने की फिराक में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभय, जो कि जय का गुरु है, वो हैरान रह जाता है कि आखिर जय इंडियन आर्मी को धोखा क्यों दे रहा है। अब इसके बाद फिल्म में आते हैं कई ट्विस्ट एंड टर्न्स और फिल्म का एंड क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी अय्यारी। परफॉर्मेंस की बात करें तो मनोज बाजपेयी की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग आपको सीट से बांधे रखने पर मजबूर करती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वही रकुल प्रीत, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, आदिल हुसैन, कुमुद मिश्रा की मौजूदगी भी फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाती है। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म में नीरज पांडे के उठाए गए मुद्दे ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। वहीं डायरेक्शन, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। कैमरा वर्क और रियल लोकेशंस आपको सरप्राइज भी करते हैं, लेकिन फिल्म की कमजोर कड़ी इसकी लेंथ है, जो काफी लंबी है। फिल्म की एडिटिंग और शार्प की जा सकती थी। फाइनल वर्डिक्ट पर आए तो अगर आप नीरज पांडे की फिल्मों के फैन हैं और अगर आप मनोज बाजपेयी की अमेजिंग एक्टिंग देखना चाहते हैं तो अय्यारी इज अ मस्ट वॉच फिल्म। हमारी तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।